ये काले पानी की वो जेल है, और जो काल कोठरी है वो ये है, वो काल कोठरी जिसके अंदर इतना साइज उसका होता था, और इसके अंदर यहाँ से इसका गेट खुलता था, ये जो गेट है ना, कोई ताकि कई दिन निकल ना सके पहले से। तो एक तो इतना मुश्किल होगा, ये बहुत मोटा ये गेट हो गया, दूसरा इसको खोलने के लिए यहाँ से ये था, यहाँ से ही खुलता था, और यहाँ पे मोटे मोटे ताले लगते थे। अब इसको बंद कर दिया था ऐसे करके, अब कोई कैदी अगर खोलना भी चाहे तो इसको खोल नहीं सकता था यहाँ से, क्योंकि इतना डिस्टेंस होगा यहाँ से तो आ नहीं सकता उसका यहाँ से। और काल कोठरी के अंदर ना कैदियों को लैटरिन पेशाब के अंदर रहना पड़ता था वहीं पे, वो भी अंदर में दिखाऊंगा आपको। देखिए ऐसे कुछ ऐसे हो गया, या इतना दीवार हो गया, ये है काल कोठरी, और ये पूरा सामने से बंद हो गया। और जो हमारे वीर सावरकर जी थे जिन्होंने देश के प्रति समर्पित हुए थे, उनको बिल्कुल अलग से रखा गया था अकेले कॉर्नर में, जेल के अंदर भी जेल बना के। ये जेल होगी इस तरफ से बिल्कुल सेपरेट हो गया, सेपरेट होने के बाद ये वीर सावरकर जी की कोठरी है जहाँ वो रहते थे। और आज शहीदी दिवस है 23 मार्च है, जहाँ सुखदेव राजगुरु भगत सिंह जी को शहीद हो गए थे, जिनको फांसी की सजा सुनाई गई थी। ये हो गया, ये वो कोठरी है वीर सावरकर जी की, और यहीं पे रहते थे। और ये है जिसके ऊपर वो सोते थे बिछाने के लिए, ये चादर वो सेम टू सेम हूबहू जो उस समय उनको दी गई थी वो यहीं पे रखी हुई, फटी पुरानी हो चुकी है लेकिन सेम रखी हुई है पूरी की पूरी। ये देखिए वीर सावरकर जी का, और ये जो बर्तन आप देख रहे हैं ना, ये इनके अंदर उनको खाना मिलता था, ये खाने के लिए वो सेम बर्तन रखे हैं। और यहीं पे जब शाम हो जाती थी, शाम को लैटरिन बाथरूम के लिए बाहर नहीं जाने दिया जाता था, यहीं पर उनको डब्बों के अंदर लैटरिन और बाथरूम करना पड़ता था, इतनी निर्दयी कंडीशन में वो रखे जाते थे। ये वीर सावरकर जी, इस कोठरी के सिर्फ एग्जिट के लिए यहाँ से थोड़ा सा रोशनदान है कुछ, और यह इसका साइज, ये पूरा साइज है उसका, ये साइज है। अब तो लाइट लगे वीर सावरकर जी की वजह से ये, और यहाँ पड़े, और यही तख्त है सभी जेल के अंदर, ये तख्त जिसके ऊपर सोते थे, ये पूरा तख्त बना हुआ है, इसके ऊपर सोया करते थे। और इन्हीं डब्बों के अंदर उनको शाम को लैटरिन बाथरूम करना पड़ता था, वो करते थे, और यहीं पूरी रात भर वो सड़ता रहता था, अगर पेशाब लग जाए तो सुंदर डब्बों में करना पड़ेगा, ऐसी पोजिशन थी, ऐसी निर्दयी कंडीशन के अंदर रहा करते थे। इस कंबल की आप कंडीशन देख सकते हैं, ये ऐसी कंबल थी, और बोरी के कपड़े सजा के तौर पर पहनने पड़ते थे उनको। ये काल कोठरी है पूरी, यहाँ पे देखिए दामोदर जी को 1911 के अंदर लाया गया था, 1911 के अंदर ये नासिक कांड के अंदर उनको 50 साल की सजा सुनाई गई थी आजीवन कारावास की, उसके बाद 1921 में वो रिहा हो गए थे, यहाँ रखा गया था उनको, ये इसी जेल के अंदर सेपरेट बंद थे वो, आप देख सकते हैं इस जेल को। और ये अमर ज्योति उनके लगा रखी है, ज्योति जला रखी है उनके सम्मान में, देखिए वीर सावरकर जी के आज़ादी पाने के लिए इतना संघर्ष, इतना बलिदान करना पड़ा जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि हमने कभी देखा ही नहीं उस चीज़ को। और यहाँ वो फांसी का गर्जा, फांसी होने देते थे, आज ये अंडमान निकोबार के अंदर ये पावन धरती भी जिसके पैर टिक जाए समझो वो बंदा धन्य है, जिसके पैर टिक जाए तो, क्योंकि इतनी पवित्र धरती है, लोग यहाँ देखने के लिए आते हैं। ये जेल है, इसके अंदर भी यहाँ अलग से बनी हुई चीज़ें हैं, ये देख सकते हैं आप। और ये रोशनी के लिए, अब बाद में जो लटका रखी है तो रोशनी दिखने के लिए, ऐसे यहाँ लगभग 400 के आसपास कमरे हैं जिसके अंदर सभी के अंदर अलग अलग कैदी को बंद किया जाता है, एक एक कैदी को अलग 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 बंद करते हैं। ये है, आप देख सकते हैं कैसे कैसे मार्मिक कंडीशन में रहते थे, पूरा जेल ऐसे है और इसके अंदर से आप भी नहीं जा सकता। ये है वो फांसी घर जहाँ पे वहाँ प्रक्रिया होती थी, और यहाँ फांसी दी जाती है बिल्कुल रसोई घर के सामने, ताकि और ज़्यादा डर और खौफ पैदा रहे। ये काल कोठरी की जेल है, सभी केंद्रीय जेल आज शहीदी दिवस की वजह से सबके पास में ये यहाँ मनाया जा रहा है, इसको खुशी के तौर पे, एक याद के तौर पे, एक दुख के तौर पे जो जलाई जा रही है।
डब के अंदर। मुझे तो बड़ा इसके अंदर आक्रोश, गुस्सा और जोश भर रहा है इन सबको देख के। ये कैसे, कैसी जेल थी, कैसे निर्दयता यहाँ होती थी। ज्योति जलाई जा रही है सभी कैदियों के लिए। ये कैदियों का है कमरा, ये काल कोठरी अंदर यहाँ रहना पड़ता था। अगर आप रहो ना मर जाओ, और ऐसी सजा और काम नहीं करें तो बंदा वैसे उनको सजा से मारते थे। ज़्यादा विद्रोह करें तो उनको फांसी की सज़ा होती थी, और ऐसी फांसी की सज़ा मतलब बिल्कुल रसोई घर के सामने, ताकि बंदा देख देख के वैसे खौफ पैदा हो, और ना खाना पीना टाइम पे ना हो कुछ, और काम इतना ज़्यादा कि बंदा शाम तक पूरा नहीं हो तो और सज़ा। ऐसी निर्दयता, इसका नाम बहुत दुख हो रहा है, तो मुझे मेरी आंखों से मतलब आंसू झरने को हो रहे हैं कि ऐसी पोजीशन है कि मतलब ऐसा कुछ हो रहा है। मतलब ये कालापन की जेल है भैया। ये कालापन की जेल सबके पास ज्योति जलाई हुई है तेल डाल के। शहीदी दिवस के ऊपर जितना हो सके वीडियो को शेयर करो ताकि पता लगे हमारे देश के उन युवाओं को कि कितनी संघर्ष के बाद, कितने बलिदानों के पास बाद ये आज़ादी मिली है। बड़ा दुख है, हम याद भी नहीं कर सकते कि कहाँ क्या होता है, क्या हुआ था यहाँ पे, कैसे जवानों ने, युवाओं ने अपनी जवानियाँ खोई थी यहाँ पे आगे। इतनी सजा सुनाई जाती थी,